फाइनल मैच शुरू होने वाला है, दोनों टीमें कोर्ट में, एक शेरला क्लब की टीम है और ये है हमारे ताऊ हनुमानगढ़ की टीम। भगवानाराम खरसू नंबर एक पे रहे हैं, दोनों दूसरे एक सिंह अच्छा खेल खेलने के लिए एक दूसरे किस्मत के धनी पीछे को पड़किया भाई तरण सिंह जी जिसकी लवाना की ड्यूटी लगी हुई है वो कोच साहब से कनेक्ट हो जाए, कोच साहब के पास रिपोर्ट करें एक बार, जो भी रिपोर्ट करें अंडर 17 में जो सर्विस है पहली हनुमानगढ़ का पुत्री वीर सिंह दानी बहल, हनुमानगढ़ का पुत्री वीर सिंह दानी बहल, निशा पुत्री रतिराम हसनपुर और अंकिता पुत्री रतिराम हसनपुर, ये लड़कियां जितने भी दर्शक आए हुए हैं और ओपन में भी जीत कृपया करके दोनों ही टीमों का हौसला अफजाई करें। मैच महिला मटका दौड़ हुई थी, जो महिला मटका दौड़ हुई थी इंटरेस्ट वाली जो दौड़ थी हनुमानगढ़ के लिए पहले नंबर पर रही है बीरमती पत्नी जयवीर भिट्ठन से और दूसरे नंबर पर रही है पूनम पत्नी केरला हनुमानगढ़ की तरफ से करेंगे नंबर रही नंबर पे मोनिका मैच करने की कोशिश मंजीत और बल ये और खिलाड़ी है पूनम नाम बोले हैं जीतते हैं बहुत बहुत नंबर खिलाड़ी हनुमान बहुत एक नंबर खिलाड़ी क्या बहुत समय और उसी भी अच्छा डिफेंस महेंद्रगढ़ की टीम की तरफ से डिफेंस करने में नाकाम रही शेरला क्लब के खिलाड़ी पूनम चौरान, दो अंक गंवाने पड़े। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हनुमानगढ़ 2 शेरला क्लब 0। बहुत ही बढ़िया, ये जो है संदीप सर का मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे जो है कमेटी के अंदर साथ दे रहे हैं। अब हमारे जो है हनुमानगढ़ की टीम की तरफ से जो है अच्छी सर्विस 7 नंबर सर्विस सोमल भांगू बहुत ही बढ़िया अच्छा से पहला अंक अर्जित किया समय करके रोशनी ने, हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता 2 उधर में तो बैठे के निकट से आकड़े भी स्टेज पर आए थे डिफेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई काली सौरा जिसके साथ एक अंक का खामियाजा शेरला सपोर्ट्स क्लब को भुगतना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ हनुमानगढ़ 3 शेरला 1। ये हनुमानगढ़ की तरफ से 9 नंबर जर्सी बहुत अच्छी सर्विस इसका जो है समय बहुत अच्छा समय देखने को मिला हनुमानगढ़ की तरफ से सुधा छोटी बेटिया जबरदस्त समय करती है सुधा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हनुमानगढ़ 4 अंक शेरला 1। अगेन सर्विस 9 नंबर जर्सी पहने हुए हनुमानगढ़ की तरफ से और पास लिया काली ने समय करने की कोशिश रिंकू चौहान ने और उससे भी अच्छा डिफेंस हनुमानगढ़ की तरफ से बहुत बढ़िया अच्छा अल्पना जर्सी नंबर 8 बहुत अच्छा टैग रेफरी के द्वारा नेट फाउल अशोक रेफरी के द्वारा अच्छा जजमेंट ये जो है दिस पॉइंट गो टू हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 5 शेरला क्लब 1 बहुत ही अच्छा रोमांटिक जूनियर हनुमानगढ़ प्रीति जी सर्विस कर रही है और उससे भी अच्छा पास देना खरब के द्वारा एक बार समय को कंट्रोल नहीं कर पाए और रेफ गए सारा बॉल आउट एक अंक गंवाना पड़ेगा शेरला क्लब के खिलाड़ियों को बहुत ही बढ़िया 8 नंबर सर्विस के द्वारा हनुमानगढ़ की तरफ अच्छी सर्विस लेफ्ट सर्विस इसको जो है शेरला क्लब की तरफ से 6 नंबर रोशनी एक बार ब्लॉक होल्ड की कोशिश एक बार फिर बहुत अच्छा डिफेंस पूनम के द्वारा बहुत ही बढ़िया करने की कोशिश रोशनी लेकिन बहुत ही बढ़िया 10 नंबर के द्वारा अच्छा आउट अशोक मैच रेफरी द्वारा अच्छा गुड डिसीजन इसी के साथ स्कोर गो टू शेरला क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 2 हनुमानगढ़ 6 बहुत ही बढ़िया रोमांटिक मैच हमारे आज के अतिथि श्री भाई राजवीर भटिया की अध्यक्षता में जबरदस्त ब्लॉक रोशनी के द्वारा अल्पना को लगा ब्लॉक बॉल हुई टैग एक अंक का नुकसान सपोर्ट्स को शेरला सपोर्ट्स क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 3 अंक हनुमानगढ़ का 6।
इसके रेफरी हैं अशोक डीपी साहब जो इंटरनेशनल रेफरी हैं, दूसरे हैं प्रताप पीटीआई साहब, वे भी इंटरनेशनल रेफरी हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा जो है इनके पास हैविंग एक्सपीरियंस इनके पास नेशनल इंटरनेशनल का है, जो हमारे शेरला क्लब मैदान के बदलाव हमारे बीच में मौजूद है। बहुत ही अच्छी अनुभवी रेफरशिप के बीच में हनुमानगढ़ और शेरला क्लब के बीच में बहुत ही रोमांटिक मैच, सर्विस को कंट्रोल नहीं कर पाए, सीधा नेट में एक अंक गंवाना पड़ेगा हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों का। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ शेरला 4 हनुमानगढ़ 7, 3 अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी लगातार एक एक अंक के लिए जूझते हुए दोनों खिलाड़ी, और समय को किया आउट, रेफरी का इशारा आउट। इसी के साथ एक अंक हनुमानगढ़ ने गवाया, शेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 5 हनुमानगढ़ 7। और टीनू खान के द्वारा अच्छी सर्विस, लेफ्टी सर्विस बहुत ही बढ़िया अच्छी है, नेशनल प्लेयर अंडर 14-17 की, और अपने इलाके की जो है बहुत ही बोलबाल के अंदर जो है जाने माने लड़की, बहुत ही बढ़िया ड्रॉप रोशनी के द्वारा। इसी के साथ एक अंक चुराया शेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 6 अंक हनुमानगढ़ 7, बहुत ही बढ़िया। मेरे साथ कमिटर बाबू सर, डॉक्टर सर बहुत अच्छी कमेटी करते हैं, डॉक्टर सर अगेन समय कविता के द्वारा हनुमानगढ़ की तरफ से जबरदस्त समय देखने को मिला। सुधार के द्वारा अच्छा अपार्क, बहुत ही बढ़िया। ये हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 8, शेरला क्लब का स्कोर 6। हनुमानगढ़ की तरफ से सर्विस करती हुई लव प्रीति, लेकिन सर्विस को कंट्रोल नहीं कर पाए, सीधा नेट में। बहुत ही बढ़िया अच्छा मैच के अंदर जो है दोनों टीमों के अंदर अच्छा सुझाव बन, हमारे दोनों मैदान के अंदर टीमों का जो है लास्ट ये काफी अनुभव है। मेरे साथ भूप सिंह जाखड़ सर कमेंट्री करते हैं, बहुत प्यारी कमेंट्री करते हैं। मैं भूप सिंह जाखड़ सर का धन्यवाद करता हूँ साथ देने के लिए। एक बार फिर जो है हमारे हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 9, शेरला क्लब का स्कोर 7, बहुत बढ़िया अच्छा स्कोर जो हमारे 83 अगेन सर्विस हनुमानगढ़ की तरफ से अनिता, बहुत बढ़िया 3 के द्वारा, बहुत अच्छी सर्विस, उससे भी अच्छा डिफेंस रोशनी के द्वारा समय दिया रिंकू चौहान ने, और समय करने में हुई कामयाब। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ शेरला 8 अंक हनुमानगढ़ 9, एक अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी। एक बार तीनों खरब के द्वारा अच्छी सर्विस, बहुत ही नट टच, ये अल्पना रोशनी के द्वारा बॉल को किया अटैक, बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा ब्लॉक। जर्सी नंबर 6 रोशनी शेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 9 अंक हनुमानगढ़ 9, दोनों टीमें बराबर बराबर स्कोर पर। ये सभी जो दोनों टीमों जो है नेशनल प्लेयर, बहुत अच्छा डिफेंस तीनों क्लब ने, अशोक रेफरी का सारा चेकआउट, रोशनी एक अंक अर्जित करती हुई अपनी टीम के लिए, शेरला अब लीड में, एक अंक की लीड बनाए हुए शेरला क्लब के खिलाड़ी। अगेन सर्विस टीना क्लब के द्वारा, उससे भी अच्छा पास, और समय किया जबरदस्त समय देखने को मिल रहा है हनुमानगढ़ की टीम बेटी कविता सुधार की तरफ से, जबरदस्त समय बेटी कविता सुधार, जितने भी दर्शक आए हुए हैं वो दोनों ही टीमों का हौसला अफजाई करते रहे। ये सुधार 10 नंबर 11 बहुत अच्छा अटैक, ये हनुमानगढ़ का स्कोर 10, शेरला क्लब का स्कोर 10, दोनों टीमें जो है बराबरी के स्कोर पर, बहुत बढ़िया अच्छा। ये 10 नंबर 10 पूनम चौहान के द्वारा टैप करने की कोशिश रोशनी, लेकिन नाकाम रही, कंट्रोल नहीं कर पाई पावर को, और रेफरी का इशारा बॉल आउट। 10 नंबर 11 स्टार अपने हाइट के मुताबिक जिस प्रकार का अटैक करना चाहती थी अपने एक बार फिर दोबारा नाकाम। तीनों खरब की तरफ से रीना टीना खराब ने सर्विस की, स्मैश करने की अच्छा डिफेंस, लेकिन डिफेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई टीना खराब। इसी के साथ एक अंक गंवाना पड़ा शेरला की टीम को, हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 11 अंक शेरला 11, दोनों टीमें बराबर बराबर स्कोर पर। बहुत ही बढ़िया जो है सर्विस नंबर 9, एक ये जो राष्ट्रीय टीम से जुड़े हुए बच्चे अंडर 17-19 के जो है लड़कियां, बहुत ही बच्चा काली ने ट्रैप करने की कोशिश नाकाम रही। इसी के साथ एक अंक गंवाना पड़ा शेरला के खिलाड़ियों को, हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 12 अंक शेरला 11। ये जस्ट नंबर 9 गो टू सर्विस हनुमानगढ़, बहुत ही बढ़िया अच्छी लेफ्ट सर्विस, ये जो है 9 नंबर मीटर को क्रॉस नहीं कर पाए, और इसका फायदा जो है शेरला क्लब को जाता है, सीधा नेट में लगाया कविता ने सर्विस को, एक अंक गंवाना पड़ा
पहला टाइम आउट हनुमानगढ़ की तरफ से। टाइम भाई देखिए कितना बढ़िया अच्छा मैच चल रहा है, दोनों टीमों का जो है बराबरी का स्कोर 12-12 बॉस और दोनों ही स्कोर है, दोनों टीमों का 12-12 का स्कोर है। पहले टाइम आउट पर बहुत नेक टू नेक मैच चल रहा है, हनुमानगढ़ की तरफ से दोनों टीमें बराबर स्कोर पर है। मैच रेफरी बहुत बढ़िया वो अब रेफरी का सारा एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने एक एक अंक के लिए जूझती हुई कसमों कस कटती हुई। बहुत जबरदस्त मैच देखने को मिल रहा है सेरला स्टेडियम में। छह नंबर से पहले कंट्रोल नहीं कर पाई मलिका बाबू दो मिनट दो बहुत अच्छा समय एक अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ हनुमानगढ़ 13-12। अगेन सर्विस हनुमानगढ़ की तरफ से अनिता पास लिया रोशनी ने समैश करने को से रिंकू ने और जबरदस्त समैश रिंकू सौरान के द्वारा। इसी के साथ सेरला का सफर बढ़ता हुआ 13 अंक हनुमानगढ़ 13 दोनों टीमें बराबर बराबर स्कोर पर। हमारे बीच अभी अभी राजेंद्र सुरपुरा कोच सेंट्री भिवानी पहुंचे हैं, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। पकड़ ले जबरदस्त समैश एक बार फिर कविता सुथार की तरफ से ब्लॉक एडजस्ट नहीं कर पाए सेरला के खिलाड़ी, एक अंक गंवाना पड़ा सेरला के खिलाड़ियों को। हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 14 अंक सपोर्ट्स सेरला का बढ़ता हुआ सेरला का 13 अंक। ये नीतू 10 नंबर 3 ये 10 नंबर 10 नीता बहुत अच्छा अटैक। एक बार फिर जो है इनका स्कोर बढ़ता हुआ हनुमानगढ़ का स्कोर 15 सेरला क्लब 13। बहुत ही रोमांचक मैच दोनों टीमों की। एक सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हैं, हर दर्शक की धड़कन जो है बढ़ती जा रही है। बहुत ही बढ़िया अच्छा स्कोर और एक बार अशोक मैच रेफरी के द्वारा अच्छा निर्णय तो दिस स्कोर लीड टू हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का स्कोर जो है 16 सेरला क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 13-16-13 बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद चक्कर साहब समय करने की कोशिश मनीता बांबू लेकर कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत अच्छा ब्लॉक अल्पना के द्वारा देखने को मिला। अगेन फिर सर्विस जबरदस्त समय आउट नंबर जस्सी पहने हुए अल्पना एक अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। इसी के साथ स्कोर हनुमानगढ़ 17 सेरला 14 चार अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी। बहुत अच्छा पास लेकिन फाउल रेफरी का इशारा सुधार फाउल अल्पना सुधार फाउल रेफरी का इशारा। हेलो पिल्लू सेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 14 अंक हनुमानगढ़ 17 समैश करने की कोशिश कामयाब हुई अल्पना समैश में। इसी के साथ एक अंक अपनी टीम का के लिए अर्जित किया। स्कोर बढ़ता हुआ हनुमानगढ़ 18 अंक सेरला 14 4 अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी। अब मैं आमंत्रित करूंगा जाकर सर को। ये 7 नंबर सर्विस सुमन के द्वारा अच्छा अटैक अच्छी सर्विस और ये रोशनी के द्वारा बहुत बढ़िया अच्छा अटैक। ये काली ने सर्विस की गेंद को उठाया और एक बार फिर जो है बहुत बढ़िया ये एक बार अशोक रेफरशिप के द्वारा एक बढ़ता स्कोर है सेरला क्लब का 16-15 हनुमानगढ़ 18 बहुत बढ़िया। दोनों टीमों के अंदर रोमांच मैच दोनों का स्कोर काफी क्लोजर चल रहा है जबरदस्त बल्ला रिंकू सोरान और रोशनी के द्वारा बहुत अच्छा ब्लॉक लगाया बॉल को किया अटैक। स्कोर बताएंगे जाकर साहब देखिए एक बार हमारे पास जो है हनुमानगढ़ का स्कोर 18 सेरला क्लब 16 बहुत ही कांटे की टक्कर है। हमारे बीच में जो है स्पोर्ट्स राउंड अप RKY के डायरेक्टर जो है राजकुमार यादव जी पिछले 3 दिन से जो है ये सेरला क्लब का स्कोर 17 हनुमानगढ़ 18 बहुत ही कांटे की टक्कर है। दोनों के अंजियाल द्वारा अच्छा टैंक और एक बार ये जो है सारा नेट फाउल आउट रोशनी
मैक्सी विकेट, जिसके साथ एक अंक गंवाना पड़ा सेरला के खिलाड़ियों को। स्कोर बढ़ता हुआ हनुमानगढ़ 19 अंक, सेरला 17। बहुत ही बढ़िया, अच्छा मैच। 9 नंबर सुमन के द्वारा एक बार फिर द्वारा सर्विस, और ये 18 मीटर से बाहर आउटलाइन, जिसका फायदा जो है सेरला क्लब को जाता है। सेरला क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 18 है, हनुमानगढ़ का स्कोर 19। बहुत ही रोमांटिक मैच आज का दृश्य। पिछले 3 दिन की जो मेहनत आज हमारे सामने रंग लाते हुए, सभी दर्शकों का बड़ा उत्साहित। एक बार जो है इन दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां भाई, बहुत तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैच होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, अच्छा अमृता द्वारा अच्छा पैक, ये जो है एक बार रोशनी द्वारा अच्छा ड्रॉप, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए टीमों खराब ने बॉल को उठाया, और ये झंकू सोना अच्छा पैक अल्पना के द्वारा 8 नंबर, बहुत ही बढ़िया। एक बार रोशनी ने बच्चो अर्जित किया, रोशनी ने इस मैच में ड्रॉप समय सब कुछ देखने को मिल रहा है। टैप, ये अल्पना के द्वारा बहुत अच्छा टैग, राइट राइट टू लेफ्टी, बहुत ही बढ़िया। मैच के अंदर जो है कोई भी कहीं भी गलती हुई तो समझो टीम चलती हुई है। बहुत ही आज का रोमांचक फाइनल मैच कोर्ट नंबर 1 के ऊपर सेना स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर मैच चल रहा है। ये 7 नंबर जर्सी हनुमानगढ़ की लड़की, बहुत ही अच्छी सर्विस जिसको जो है कॉलेज उठाया, और ये रिंकू के द्वारा अच्छा ड्रॉप, बहुत ही दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सेना क्लब का स्कोर बढ़ता 20 हनुमानगढ़ 20 2020 और इक्वल स्कोर सर्विस भी अच्छा पास अर्पना के द्वारा समय करने में कामयाब 10 नंबर जर्सी पहनी हुई मनीता फांगू। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हनुमानगढ़ 21 सेला 30। ये अब जर्सी नंबर 7 हनुमानगढ़ की जो गर्ल सर्विस करेगी, बहुत ही सुमन भंबो, बहुत ही बढ़िया अच्छी सर्विस काले ने उठाया, और ये जो है बहुत ही बढ़िया ये, लेकिन समय इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। रिंकू सीमा रेखा से बाहर, बॉल रथ का सारा आउट, एक अंक गवाना पड़ेगा सेरला के खिलाड़ियों को। गुस्से का इजहार ये हमारे पहला टाइम आउट सेरला। स्कोर हनुमानगढ़ 22 सेरला 30, 2 अंक के लिए बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी। इसको मैच देखने को मिल रहा है और 2 पॉइंट स्टेडियम पर हनुमानगढ़। इस मैच में टैप स्मैश ट्राई सब देख, ये है दर्शक जो कि इस मैच को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। स्पोर्ट्स क्लब के सुखपाल सिंह जी, फिर एक बार वापसी मैदान के अंदर हनुमानगढ़ का स्कोर 22-22। हनुमानगढ़ की तरफ से सर्विस करते हुए सोमन बाबू, सोमन बाबू ने सर्विस दी, पास लिया टीना क्लब ने, बहुत अच्छा पास और स्मैश किया रोशनी ने, लेकिन उससे भी अच्छा डिफेंस मनीता बाबू के द्वारा ड्रॉप करने की कोशिश सुथार की तरफ से स्मैश किया। बिल्लू सुधार ग्राउंड से बाहर आई रोशनी ने, एक अच्छे से अर्जित किया सोमन, डिफेंस में डिफेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसी के साथ एक अंक गंवाना पड़ा हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों को। सेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 21 अंक, हनुमानगढ़ 22। जबरदस्त काम की टक्कर देखने को मिल रही है, ड्रॉप करने में कामयाब सुधार, सूझबूझ से अपनी टीम के लिए एक अंक अर्जित किया। हनुमानगढ़ का स्कोर 23 अंक, सेरला 21। 7 नंबर दर्शी द्वारा सुमन भांबू के द्वारा एक बार द्वारा फिर सर्विस, बहुत ही बढ़िया अच्छी सर्विस, 2 नंबर की लीड। हनुमानगढ़ का स्कोर 23 सेरला क्लब 21। एक बार फिर रोशनी के द्वारा जबरदस्त समय, सेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 22 अंक, हनुमानगढ़ 23। दोनों ही टीमों ने कांटे की टक्कर, एक एक अंक के लिए जूझती हुई, कसमोकस करती हुई। टैप किया अल्पना ने, रेफरी का सारा समय, बॉल आउट। ये सेट पॉइंट है अशोक सर, सेट पॉइंट हनुमानगढ़ 24 सेट पॉइंट टाइम आउट हो गया है। दूसरा टाइम आउट लिया क्लब के कोच
राजेंद्र सोरन व सतपाल कोचा। मैं एक बार जो है अपने भाई राजवीर संजय बारे में जो है मुख्य अतिथि के अध्यक्षता हमारे बीच में शामिल के जो है फाइनल मैच का मुकाबला देखने के लिए हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इतनी बढ़िया अच्छी मटका दौड़, बूढ़ा दौड़, लेडीज की जो है दौड़ भी बहुत ही बढ़िया, देखने का मजा और देखने का रोमांटिक समय। अब जो है ड्रॉप करने की कोशिश रोशनी लेकिन नाकाम रही, फिर से अगेन ड्रॉप रिंकू की द्वारा और सुधार ने किया ड्रॉप का ब्लॉक। ये पहला मैच जो है हनुमानगढ़ में 25-22 से जो है पहला मैच हनुमानगढ़ वोन द फर्स्ट सेट 25-22। बहुत ही बढ़िया कांटे के पक्कर दोनों टीमों के बीच में। सबसे बड़ी खुशी बात यह कि दोनों टीमों के अंदर जो है नेशनल प्लेयर भाग ले रहे भाई, दो टीम प्लेयर आर पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल। पहला राउंड हनुमानगढ़ की टीम ने अपने नाम किया। अब दूसरे राउंड के लिए दोनों टीमें फिर से आमने सामने होंगी। ये सभी दर्शक हैं जो कि इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं, टिप्स देते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को समझाते हुए हैं। कुछ आसपास के गांवों से हैं, कस्बों से हैं और काफी भारी संख्या में दर्शक हैं। लगभग 1000 से 1200 लोग हैं जो कि इस मैच को यहां पर देख रहे हैं। ये मुख्य अतिथि जी हैं श्री राजवीर सिंह। सेकंड राउंड का मैच अभी स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही टाइम होगा रेफरी का इशारा कोर्ट में आने के लिए, रेफरी का इशारा एक बार, रेफरी का इशारा दूसरे सेट के लिए टीमों को कोर्ट में बुलाया गया है रेफरी द्वारा। फाइनल मैच तीन सेट का, पहला सेट हनुमानगढ़ की टीम ने अपने नाम किया, लेकिन ज्यादा सेट के लिए मार्जिन नहीं था दोनों टीमों के सामने, तो हनुमानगढ़ को ये मैच दूसरे सेट में। सर्विस करना होगा, सर्विस की कोशिश करनी होगी कि और अच्छा खेलें और समेश करने की कोशिश मनीता पांबू के द्वारा, लेकिन समेश को कंट्रोल नहीं कर पाई, बॉल को पहुंचाया अटैक लाइन से बाहर। अगेन सर्विस टीना क्रब के द्वारा सेरला की तरफ से, जबरदस्त समेश मनीता के द्वारा, मनीता पांबू के द्वारा जबरदस्त समेश। मैंने ऑफिशियल टाइम आउट लिया है, इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ पहलवानों को, खड़गड़ी गए भाई, और हमारा साथ उस जमाने में इससे तगड़ा कोई था कबड्डी का भाई, ये उपमी पहलवान सतपाल कोसा का आदेश, दोबारा से गेम स्टार्ट करवाए जाए। स्कोर दोनों टीमों का 1-1। सर्विस करते हुए तीन नंबर खिलाड़ी अनीता के द्वारा समेश करने में करने की कोशिश की, नाकाम रही रिंकू चौरा, समेश को कंट्रोल नहीं कर पाई, चेक आउट करवाने की कोशिश लेकिन नाकाम रही। हनुमानगढ़ का स्कोर 2 अंक, सेरला 1। सर्विस करते हुए तीन नंबर जर्सी पहनी हुई अनीता, रोशनी ने भी स्मैश को कंट्रोल नहीं कर पाई, रेफरी के सारा फोरहैंड। साहिल वेदी स्टेज के पास आए, साहिल वेदी स्टेज के पर आकर रिपोर्ट करें। ड्रॉप करने की कोशिश रिंकू शुभरान के द्वारा लेकिन नाकाम, जबरदस्त स्मैश मनीता के पांडू के द्वारा, एक बार फिर से जबरदस्त समेस। इसी के साथ हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 4 अंक, सेरला 1। 3 अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी। अगेन सर्विस, 3 नंबर जर्सी पहनी हुई अनीता,
बहुत ही बढ़िया अच्छा मैच हनुमानगढ़ की तरफ से जो है तीन नंबर जर्सी बड़ी अच्छी सर्विस है। ये जो है फिर एक बार रिंकू सोरेन जबरदस्त समय, रिंकू सोरेन के द्वारा जबरदस्त समय, एक बार तालियों से लोग हौसला अफजाई करें। श्रीनगर का स्कोर बढ़ता तो हनुमानगढ़ 4, ये रिंकू सोरेन 6 बार नेशनल खेल चुकी हुई, 6 बार 6 टाइम पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल, बहुत ही बढ़िया अच्छी हमारी हनुमानगढ़ की तरफ से सुधार ने जबरदस्त समय किया और एक अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किया। ये हमारे इसी के साथ हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 5 अंक, सेरला 2। अरे सोमवीर हरियाणा पुलिस, सोमवीर हरियाणा पुलिस मेरी आवाज सुनता हूँ तो स्टेज के पास बुलाए, आपका कोई इंतजार कर रहा है। सोमवीर हरियाणा पुलिस बहुत ही बढ़िया, ये तीनू खरब के द्वारा 6 नंबर जर्सी बहुत अच्छी लेफ्ट सर्विस और इन्होंने जो 9 मीटर को पार किया और अपना एक बार है। फिर ये बहुत अच्छा समय हनुमानगढ़ की तरफ से लवप्रीत ने बॉल, बड़ा अच्छा अटैक 9 नंबर जर्सी लवप्रीत हनुमानगढ़ की लड़की सुधार मनीता लवप्रीत अनिता जी सभी नेशनल प्लेयर है ये बहुत बढ़िया पास लिया रिंकू सोरेन ने जिसने की ब्लॉक सुधार के द्वारा फिर से ब्लॉक देखा गया और ब्लॉक को बॉल को किया अटैक। इसी के साथ हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 7 अंक, सेरला 3। बहुत ही बढ़िया 4 अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी, पास लिया काले ने बहुत अच्छा पास और स्मैश करने की कोशिश, जबरदस्त स्मैश एक बार फिर मनीता के द्वारा हनुमानगढ़ की तरफ से मनीता ने जबरदस्त स्मैश किया और अपनी टीम के लिए एक अंक अर्जित किया। हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 8 अंक, सेरला 3। पांच अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी, हनुमानगढ़ की तरफ से अनीता 3 नंबर सुमन बांबू सर्विस करती हुई, पास लिया पूनम सोरेन ने बहुत अच्छा पास, रोशनी स्मैश करने की कोशिश और कामयाब हुई स्मैश में रोशनी। इसी के साथ सेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 4 अंक, हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 8। ये जो बहुत बढ़िया अच्छी सर्विस तीनों के द्वारा 6 नंबर 6 तीनों खराब है, ये हमारे गांव डिठन से रहने वाले हैं और बहुत ही अंडर 14-17 के ये अच्छी प्लेयर हुए, बहुत ही बढ़िया रिंकू सोरेन के द्वारा अच्छा ब्लॉक बॉल, लेकिन एक बार इसका इजाफा जो है हनुमानगढ़ की टीम को जाता हुआ। ये अशोक रेफरी बहुत ही बढ़िया अच्छा अनुभव, अच्छा डिसीजन टू टेक द गुड डिसीजन, कविता सुथार की हाथों में जबरदस्त पावर देखने को मिल रही है, ये बहुत ही बढ़िया अच्छा डिसीजन हमारे टू टेक द डिसीजन फेवर इन हनुमानगढ़, बहुत ही बढ़िया हमारे अशोक एफसी के द्वारा और ये रोशन ने जो है बॉल को उठाया और ये बार दोबारा फिर अटैक बहुत बढ़िया, मैंने ताना गेंद को टैकल किया और ये फिर एक बार नौ नंबर ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए अंक अर्जित किया, बहुत अच्छा समय जगह देख के समय किया और इसी के साथ हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 10 अंक, सेरला 4। 6 अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी, सर्विस करती हुई अल्पना हनुमानगढ़ की तरफ से, अल्पना ने सर्विस की पास लिया पूनम सोरेन ने स्मैश करने की कोशिश, रिंकू सोरेन और डिफेंस किया, एक बार फिर सुधार ने बहुत बढ़िया अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हैं, हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता 11 है। सेरला का पहला टाइम आउट, राजेश सोरेन को सामने लिया अपने बच्चों को टिप्स देने के लिए, ये टाइम आउट है पहला इस सेकंड सेट का टाइम आउट है और पहला जो है सेट है हनुमानगढ़ ने 25-22 से जो है जीत चुकी भाई, ये हमारे जो है राजवीर जी सेरला क्लब की टीम को जो है टिप्स देते हैं, जिस प्रकार से हमारी गलतियां तो होती रहेंगी सुनते हो अपने मैच को सुनते रहेंगे। स्कोर इस प्रकार है हनुमानगढ़ 11 सेरला 4, भाई राजन तो 11 पॉइंट है हनुमानगढ़ के और 4 पॉइंट है सेरला के, 7 पॉइंट के लीड पर है हनुमानगढ़। फाइनल मैच का आनंद लेते हुए इस सेरला गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट फाइनल मैच तीसरा दिन फाइनल समय निकाला, अगेन सर्विस बहुत ही बढ़िया, ये रोशन के द्वारा जो है अच्छी बात को जो है टैकल किया और एक बार फिर
हनुमानगढ़ की मनीता ने टैप किया और एक रन अर्जित किया। लवप्रीत ने दो तीन नंबर इस मैच के अंदर जो अपनी तरफ से इजाफा किया। वॉलीबॉल जो गेम है वो पावर का नहीं है, वो माइंड का भी गेम है। बहुत हाँ, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल तो समझे अपना हो गए मालामाल। दिमाग का इस्तेमाल जरूरी भाई, कहीं ड्रॉप कहीं के द्वारा ये शेरला क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 5 हनुमानगढ़ 12। बहुत ही ज्यादा सर्विस करते हुए टीना खराब ने सर्विस की। ये बहुत ही बढ़िया सुथार का समय देखने को मिल रहा है सुथार के द्वारा। अच्छा, ये जस्सी नंबर 11 है सुथार, जिसको हम कविता के नाम से जानते हैं। ये अंडर 14-17-9 की जो है बहुत ही बढ़िया अच्छी नेशनल प्लेयर रही हुई और अपने हाइट का जो है बहुत बढ़िया अच्छा फायदा उठाते हुए हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 13। शेरला क्लब का स्कोर हनुमानगढ़ की तरफ से अपना ने सर्विस की, काले ने लिया पास, बहुत अच्छा पास और समय ड्रॉप करने की कोशिश लेकिन नाकाम। रिंकू सौरा रेफरी का इशारा आउट। इसी के साथ शेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 5-6 अंक, हनुमानगढ़ 13। ये प्रताप जी रेफरीशिप के द्वारा बहुत बढ़िया अच्छा डिसीजन, तीनों खराब के द्वारा अच्छी सर्विस। ये एक बार फिर ये जो है जस्सी नंबर 7 सुमन भंबू, बहुत ही बढ़िया रोशन के द्वारा ये एक बार फिर रेफरी का इशारा, इसका फायदा जो है बहुत अच्छा बना सुथार की तरफ से। बॉल को दिया डैक, एक अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किया। इसी के साथ हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 14 अंक, शेरला 6-6। बहुत ही कांटे की टक्कर दोनों टीमों के अंदर जो है। मेरे साथ कमेटर हैं भूप सिंह जाखड़, बहुत अच्छी कमेटी करते हैं, धन्यवाद करता हूँ। रिंकू सौरभ के द्वारा क्या लाजवाब ड्रॉप किए हैं जो हमारे बोर्ड टीम आर प्लेइंग। ये जो हमारा फाइनल मैच चल रहा है इसके अंदर जो है तीनों खराब बहुत बढ़िया अच्छी सर्विस का इजाफा करते हैं। हमारे जो है हमारे शेरला क्लब का स्कोर बढ़ता है 7, हनुमानगढ़ 14, यानी 7-7। बहुत अच्छा क्लब के द्वारा दोनों ही टीमें एक एक अंक के लिए कोशिश करती हुई। बहुत बढ़िया जो मैच चला हमारे पास जो है बताने के लिए इतना समय, ये पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई मनीता। नौ नंबर नवप्रीत एक अंक गवाना पड़ा। ये 9 नंबर नवीन के द्वारा जो है ड्रॉप की कोशिश लेकिन हम सक्सेस। स्कोर बढ़ता हुआ 8 अंक, हनुमानगढ़ दिस स्कोर गो टू शेरला क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 8, हनुमानगढ़ शेरला क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 9, हनुमानगढ़ 14। बहुत बढ़िया अच्छी बिटवीन द कॉम्बिनेशन सर्विस इन लोगों के द्वारा, एक बार फिर दोबारा सर्विस। बहुत अच्छा डिफेंस काली चौरान के द्वारा। ये फिर सुधार ने एक बार फिर से मैच किया, एक अंक और अपनी टीम के लिए अर्जित किया। हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 15, शेरला 9। ये अगेन सारे हनुमानगढ़ी पर से अल्पना जस्सी नंबर 8 अल्पना एक बार फिर अपने सर्विस लेते हुए बहुत बढ़िया, लेकिन ये 9 नंबर मित्रों क्रॉस ना करते हुए जो है एक बार अपने जो है नंबर को लेफ्ट की तरफ जाते हैं, इसका जो है फायदा है शेरला क्लब को। शेरला क्लब का बढ़ता स्कोर है 10, ड्रॉप करने में नाकाम और सीधा लगा दिया नेट में, एक अंक गवाना पड़ा हनुमानगढ़ की खिलाड़ियों को। इसी के साथ शेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 11 अंक, हनुमानगढ़ 15। अगेन सर्विस रोशनी के द्वारा शेरला की तरफ से बहुत अच्छी सर्विस और उससे भी अच्छा पास, अल्पना ने जबरदस्त समय किया, एक अंक और अर्जित किया अपनी टीम के लिए। हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 16 अंक, शेरला 11। बहुत बढ़िया, ये जो है 9 नंबर जर्सी लवप्रीत जो है अपने लेफ्ट हैंड का फायदा उठाते हुए बहुत बढ़िया जो है ऑफ साइड बैक अच्छा अटैक। हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 16, शेरला क्लब का स्कोर 11। ये रोशनी के द्वारा बहुत बढ़िया बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो है टैप किया, बड़ा लूजिंग ड्रॉप जो है, लेकिन हमारे इसको जो है शेरला क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 12, हनुमानगढ़ 16। 4 नंबर की लीड अभी भी जो है हनुमानगढ़ की बढ़ी हुई है, पहला सेट हनुमानगढ़ ने 25-22 जीता भाई। एक बार फिर रोशन के द्वारा अच्छी सर्विस और अभी तक हाथ में कंट्रोल नहीं कर पाए और एक अंक गवाना पड़ा। इसी के साथ शेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 13 अंक, हनुमानगढ़ 16। वापसी करते हुए शेरला
के खिलाड़ी मैच को पकड़े हुए जबरदस्त समयस रेफरी का सारा नेट फाउल। अगर एक अंक वाला पड़ा सेरला के खिलाड़ियों को। हनुमानगढ़ का स्कोर पड़ता हुआ 17 अंक, सेरला 13। सेरला क्लब को अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बुलाए रहना है तो इस सेट को हर हाल में जीतना होगा भाई, क्योंकि पहले से हनुमानगढ़ की टीम 25-22 से पहला सेट जीत चुके भाई। हनुमानगढ़ पास के द्वारा जबरदस्त समय, लेकिन उससे भी अच्छा डिफेंस हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों को। बहुत मन्नीता जबरदस्त मैच कर रही है और हर एक मैच में अंक अर्जित करती है। इसी के साथ हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 18 अंक, सेरला 13। 5 अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी। बहुत बढ़िया, ये तो सिनेमा तीन ये रोशनी के द्वारा एक बार फिर अच्छा अटैक, ये 2 नंबर नौकरी और एक बार फिर मैंने तय कर अच्छा अटैक। बहुत बढ़िया करने में नाकाम काली से, और जिसका एक अंक का खामियाजा सेरला की टीम को भुगतना पड़ेगा। हनुमानगढ़ की टीम का स्कोर करता 19, जिसके अंदर मनप्रीत और लवप्रीत मनिता लवप्रीत के जो है कम से कम 12-13 नंबर इनके अटैक के द्वारा लिए गए। बहुत बढ़िया अच्छा अटैकिंग ग्रुप, बहुत ही बढ़िया। ये है एक बार डिफेंस नहीं कर पाई मनिता हनुमानगढ़ की तरफ से, उसका एक अंक का नुकसान और सेरला का स्कोर बढ़ता हुआ 14 अंक, हनुमानगढ़ 19। ये रोशन के द्वारा जो है अच्छी सर्विस, बहुत बढ़िया अच्छा टैगल नेटोनो गेंद को जो है एक बार फिर ओ ठीक से टैग किया मनीता ने और एडजस्ट नहीं कर पाए सेरला के खिलाड़ी। इसी के साथ हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 20 अंक, सेरला 14। 6 अंक की लीड बनाए हुए हनुमानगढ़ के खिलाड़ी। ये लवप्रीत दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत ही शुद्ध कोशिश बड़े काम रही मिनाक से। बहुत अच्छा डिफेंस रिंकू शिवराण के द्वारा, ये बहुत ये ड्रॉप करने कोशिश। देखो हनुमानगढ़ की तरफ से अनिता और एक अंक चुराया, चुपके से चुराया एक अंक। ये इस सेकंड सेट का सेकंड टाइम आउट, ये अपने सेरला क्लब के टीम के राम विपोल जी अपने पतियों को देते हैं। हनुमानगढ़ का स्कोर जो है 21, सेरला क्लब 14 है, जो कि यहाँ पर इस सेरला स्पोर्ट्स क्लब में कोच कमल गोत्साह। अगर हनुमानगढ़ की टीम ये मैच जीतती है तो कमल गोत्साह 1100 रुपए खुश होकर उन बेटियों को देंगे। जैसे भी टीम कोई भी हो, बढ़िया अच्छे खिलाड़ी की सोच नहीं होती कि टीम दोनों टीमों बेटियां हमारी बेटियां हैं। ये ना समझे कि हनुमानगढ़ दूर है, हनुमानगढ़ भी हमारे देश का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है। दोनों बेटे हमारे बीच में कंट्रोल नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए पूनम सौरभ, जिसका एक अंक का खामियाजा सेरला की टीम को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ हनुमानगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 22 अंक, सेरला 13। सस्पेंस व्यक्ति ऑन दिस सेकंड टेस्ट, काफी फर्क दिया है। बॉल को लेके बॉल को छोड़ना नहीं है, ये 3 नंबर जस्सी द्वारा बहुत बढ़िया अच्छा टैग रोशन के द्वारा बहुत बढ़िया, लेकिन उससे भी अच्छा डिफेंस लवप्रीत। देखो दिमाग का इस्तेमाल, कहीं अटैक क्लब के द्वारा, कहीं अटैक कहीं ड्रॉपिंग के, बहुत ही बढ़िया अच्छा टैगल अच्छा स्मैश ये रोशन के द्वारा एक बार फिर। बहुत ही बढ़िया लाइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस कंट्रोल नहीं कर पाई, रिंकू शिवराण के द्वारा स्मैश किया था। सेरला क्लब का स्कोर बढ़ता 15, हनुमानगढ़ 22। बहुत ही अंतिम कगार के ऊपर हनुमानगढ़ का स्कोर 22, सेरला क्लब 15। सुधार की तरफ से जबरदस्त समय, बार बार सुधार की तरफ से जबरदस्त समय देखने को मिल रहा है सेरला के स्टेडियम में। ऐसा समय कभी कभी देखने को मिलता है, दोनों टीमें बड़ी जुझारूपन के साथ बड़ा अच्छा रोमांटिक मैच। ये टीशर्ट नंबर 3 अनिता, बढ़िया बड़ी अच्छी सर्विस और बड़ी अच्छी सर्विस के अनुसार ये चुराया रोशनी ने अपनी टीम के लिए। इसी के साथ सेरला 16, हनुमानगढ़ 23। ये अब हमारी जो है तीनों खराब जो है जस्सी नंबर 6, बड़ी अच्छी सर्विस, बहुत ही बढ़िया अपने सर्विस का इजाफा करते हुए एक बार फिर ये ओ सुथार
ये अशोक मैच रेफरी बहुत ही अच्छा अनुभव सेट पॉइंट हनुमानगढ़ और मैं हनुमानगढ़ के खेलना क्रम 16 ये हनुमानगढ़ की तरफ से 7 नंबर जर्सी पहने हुई सुमन बिटिया सर्विस करती हुई सुमन ने सर्विस दी और पास लिया 3 अंक रन ने ये सेट पॉइंट रोशनी डिफेंस करने की कोशिश नाकाम रही क्योंकि उससे भी अच्छा डिफेंस मनीष ने ड्रॉप किया और अपनी टीम को विनर किया और इसी के साथ तमाम के लिए एक बार तालियां जितने भी दर्शक आए हैं दोनों बेटियों के लिए भी तालियां दोनों ही बेटियों को हनुमानगढ़ की टीम ने जीता है ये विजेता टीम हनुमानगढ़ है 2-0 से इन्होंने फाइनल सेट जीता है बहुत अच्छा खेल दिखाया मैच अच्छा समाप्ति हो दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से मिली एक दूसरे को अच्छा खेल खेलने के लिए टूर्नामेंट जीतने के लिए बधाई दी और इसी के साथ ये फाइनल मैच समाप्त हुआ है अब से थोड़ी देर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया जाएगा तो उसका मैं फिर रिकॉर्डिंग करूंगा तब तक के लिए नमस्कार।